खबर रोहतास जिले से है, जहां दो दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन तकिया सासाराम में कृषि विभाग करेगा। बुधवार को रोहतास जिला कृषि पदाधिकारी संजय तिवारी ने जानकारी दिया कि तकिया बाजार समिति में दो दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान प्रदर्शनी के आयोजन हेतु कृषि विभाग तैयारी कर लिया है। उन्होंने कहा कि मृदा हेल्थ कार्ड तथा बेहतर उत्पादन हेतु कृषि वैज्ञानिक द्वारा किसान को आयोजित मेला में भी जानकारी दी जाएगी। हो गया है यह आपको दो दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान परिसर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यह दो दिवसीय मेला रहेगा 30 और 31। इसमें सभी किसान भाइयों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड से संबंधित, उद्यान से संबंधित, बागवानी से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, मत्स्य से संबंधित, सहकारिता विभाग से संबंधित एवं अन्य जितने भी कार्यक्रम होते हैं सभी से संबंधित विशेष जानकारी दी जाएगी। इसमें तरह तरह की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, उद्यान प्रदर्शनी और यंत्रों का भी प्रदर्शनी लगाया जाएगा। इस तरीके से किसानों को हम लोग अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे और मेले के माध्यम से जैसे प्रत्येक वर्ष की भांति इस मौसम में मेले का आयोजन किया जाता है वैसे ही इस बार भी इसका आयोजन रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी किसान भाई और सभी हमारे कर्मी ससमय उसमें उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में किसान भाई भाग लेंगे। धन्यवाद। यह आपको दो दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान परिसर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यह दो दिवसीय मेला रहेगा 30 और 31। इसमें सभी किसान भाइयों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड से संबंधित, उद्यान से संबंधित, बागवानी से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, मत्स्य से संबंधित, सहकारिता विभाग से संबंधित एवं अन्य जितने भी कार्यक्रम होते हैं सभी से संबंधित विशेष जानकारी दी जाएगी। इसमें तरह तरह की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, उद्यान प्रदर्शनी और यंत्रों का भी प्रदर्शनी लगाया जाएगा। इस तरीके से किसानों को हम लोग अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे और मेले के माध्यम से जैसे प्रत्येक वर्ष की भांति इस मौसम में मेले का आयोजन किया जाता है वैसे ही इस बार भी इसका आयोजन रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी किसान भाई और सभी हमारे कर्मी ससमय उसमें उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में किसान भाई भाग लेंगे। धन्यवाद।